हम देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से, बीजेपी से ऑफिशियली पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको कंडेम करेंगे नहीं करेंगे, कि ये आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो चुकी है क्या? ये एक नूपुर शर्मा से दिल नहीं भरा और आपका विधायक फिर इस तरह की तकलीफ देता है? क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं? क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं? आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़े लड़ने के लिए, मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। एक बाय इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, छोटे छोटे वाकयात हुए, सबने मिलकर उसको रोका। क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में और विश्व में भाजपा? हम देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से, बीजेपी से ऑफिशियली पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको कंडेम करेंगे नहीं करेंगे, कि ये आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो चुकी है क्या? ये एक नूपुर शर्मा से दिल नहीं भरा और आपका विधायक फिर इस तरह की तकलीफ देता है? क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं? क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं? आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़े लड़ने के लिए, मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। एक बाय इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, छोटे छोटे वाकयात हुए, सबने मिलकर उसको रोका। क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में और विश्व में भाजपा?